या सो वेलकम श्वेता, वेलकम प्रीति एंड प्रीति फ्रॉम जयपुर एंड श्वेता फ्रॉम मुंबई। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और आज मुझे लगा कि छोटी छोटी मोडालिटीज जो मैंने प्रैक्टिस की है या मैं जानती हूँ उनके बारे में मैं बताऊंगी। तो पिछले बार मैंने थोड़ा मंडला के बारे में बताया था, मंडला आर्ट के बारे में। आज मैं टैपिंग के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। एंड टैपिंग इज लाइक इट इज डेरिवेटिव, डिराइव किया है एक्यूप्रेशर से, क्योंकि एक्यूप्रेशर में भी जो होते हैं पॉइंट्स होते हैं और वहां पर नीडल के से प्रेशर डाला जाता है ना, सॉफ्ट प्रेशर डाला जाता है, एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर। तो वही वाले पॉइंट्स को टैपिंग में यूज किया जाता है स्पेसिफिकली। ये जो आईब्रोज के सामने वाला पॉइंट है, यहाँ पर हमारे आईलिड्स का पॉइंट है एंड नाक के सामने पॉइंट है, लिप्स, अपर लिप्स है नाक के सामने, और यहाँ पर चिन पे पॉइंट्स हैं। तो मैं डायग्राम्स है और मुझे पता नहीं है कि वो डायग्राम्स मैं यूज कर सकती कि नहीं। एनी वे बट हियर आई विल शो यू द डायग्राम्स एंड देन विल गो वन बाय वन ऑन दोज पॉइंट्स कि वो कैसे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। अगर हमें याद आ गया, कभी हम लोग थोड़ा सा बीमार हैं एंड वी जस्ट वॉन्ट टू गेट आर सेल्फ ट्रीटेड बाई आर सेल्फ ओनली, तो हाउ वी कैन डू इट। सो हियर इज दीज आर द पॉइंट्स, आईब्रो, साइड ऑफ आईब्रो, अंडर आई, अंडर नोज, चिन, कॉलर बोन, और ये वाला पॉइंट अंडर आर्म हमारे लिए, यहाँ पर जहाँ पर हमारी ब्रा स्ट्रैप होती है वो। सो दीज आर बेसिकली द पॉइंट्स दैट वी टैप। सो इट्स नॉट वी कैन टैप आर नीज ऑल्सो इफ यू आर हर्टिंग, जस्ट टैप योर नीज और एंकल्स और वेर एवर, बट मोस्टली द पॉइंट्स इन टैपिंग आर ऑन आर फेस एंड टिल आर एल्बो। तो ये पॉइंट्स है। और नाइन जो मुख्य तरह से टैपिंग को कर सकते हैं वो मैं अभी धीरे से आपको बताऊंगी कि नाइन टैपिंग पॉइंट्स कौन से हैं। बट उससे पहले मैं बस ये आपको बताना चाहती हूँ कि टैपिंग कहाँ से शुरू हुआ, या मुझे भी कहाँ से इसका टैपिंग क्यों लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है। कि ऐसे होता है ना कि कभी कभी बच्चा रोने लगता है या कोई भी जैसे तकलीफ होती है घर में, किसी को बोलते कि अरे मेरे को इतना दर्द हो गया, इतना दर्द हो गया। नाउ यू डोंट नो, यू डोंट नो नीदर योर नर्स, हम कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं है, कुछ नहीं है। तो इंट्यूटिवली ऐसे आता है यार, जहां पर दर्द हुआ है या उसके आसपास आप हाथ लगा के थोड़ा सहला के, या जैसे बच्चे को होता है कि उसको चोट तो लगी है पैर में लेकिन हम उसको किस करते हैं माथे पे, और या उसको ऐसे सिर पर सहलाने लगते हैं, या किसी को उल्टी हुई होती है कि कैसे हम उसको पीठ में थोड़ा सा सहलाते हैं। तो ना कोई जरूरी नहीं है कि जहां पर तकलीफ है वहीं पर हम कुछ करें। एंड वी ऑल नो दैट व्हेन यू हग अ पर्सन और व्हेन यू यू नो इवन यू नो फॉर आर सेल्व ऑल्सो, अगर आप हाथ को, आप कुछ नहीं जाते हैं कि कुछ भी, बट इफ यू प्रेस सर्टन पॉइंट्स पेन मोर एंड सर्टन पॉइंट्स डू नॉट पेन लाइक दैट, बट इफ यू गो इन टू दी डेप्थ ऑफ इट, ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स और द नर्व्स फ्रॉम दैट पॉइंट आर ऑल्सो रीचिंग आर बॉडी ऑर्गन्स। तो कोई स्प्लीन में जा रहा है, कोई इंटेस्टाइन में जा रहा है, कोई हमारे स्टमक एरिया में जा रहा है, कोई हार्ट में जा रहा है। तो जहां पर भी आपको दर्द हो रहा है, वो दर्द से आपको पता भी चलेगा कि कौन सा ऑर्गन जो है वो थोड़ा सा उसमें मैल फंक्शनिंग है या अंडर फंक्शनिंग है। और ये भी, और वही पॉइंट से आपको टैप करते करते आप उससे बाहर भी आ सकते हो। और टैपिंग मेरे जीवन में इस तरह से आई थी कि एक लेडी थी, वो हे हाउस में बहुत सारे सेशंस लेती थी और फिर बाद में उसने क्लास शुरू की। तो वो बोलती थी कि मुझे भी बिल्कुल पता नहीं था कि ये टैपिंग क्या होती है, मैं बचपन में ऐसे ही टैपिंग करती रहती थी, कभी नी को कभी इसको, फिर बाद में मुझे पता चला कि टैपिंग होती है। एंड दैट वॉज माई सिमिलर एक्सपीरियंस, लाइक माई मदर इज सिक और समबडी, माई सिस्टर इज क्राइंग और समबडी, एंड आई रियली डोंट नो वॉट टू डू। आई वुड लाइक समहाउ आई हैव दिस इंट्यूटिव सेंस कि अगर मैं इनकी पैर के नीचे तलवों को मालिश करूं, या तो जो मेरे को उस वक्त आया मैं करती थी, फिर बाद में पता चला अरे ये टैपिंग और एक्यूप्रेशर है।
तो दैट्स व्हाई आई एम लाइक वेरी मच मैं करते रहती हूँ उसको जब भी मुझे याद आता है. नाउ आई विल गो थ्रू दिस 9 पॉइंट्स की मतलब कौन से आप लोगों के भी साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कौन से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट या हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं. सो हियर सो साइड ऑफ द हैंड यहाँ पर, और टैप कैसे करना है जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे धीरे धीरे टैप करना, ये इस तरह से जो थ्री फिंगर्स है, थ्री टिप पॉइंट से अपने फिंगर्स के ऐसे ऐसे, और इतना भी नहीं कि हमें लगे, और कभी कभी इतना कि कम से कम ऐसा महसूस हो कि कुछ हो रहा है, बिल्कुल सॉफ्टली भी नहीं करना है और बहुत हार्ड हार्ड भी नहीं करना है, पर इतना कि मतलब मिडिल में ऐसे लगे कि वहां पर कुछ हो रहा है. तो अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए टैपिंग यानी वो वाला पॉइंट्स है. तो यू कैन टैप इधर बाय हैंड यूजिंग ऑपोजिट हैंड और डू द टैप एंड डू द टैपिंग ट्राई सेवरल फिंगर्स. तो ये हमारे अगर स्मॉल एंड मतलब डाइजेशन में या कुछ मूव, सो यू नो लाइक दिस इज द पार्ट अबाउट टैपिंग. अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, हम लोग कुछ भी डाइजेस्ट करते हैं. अब स्पिरिचुअली क्या है कि अगर हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज को तो हम वहां पर स्टक हो जाते हैं, वी गेट स्टक. लेकिन यू नो समहाउ वी आर एनर्जेटिकली स्टक और वी आर फीलिंग कि नहीं हमें अभी मूव फॉरवर्ड होना है, तो दिस इज यू नो लाइक ग्रीफ से मूव फॉरवर्ड होना है या किसी बहुत डिफिकल्ट चैलेंज से, तो दीज आर दिस इज द पॉइंट एंड इट वेयर इट लीड्स अ स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हमारा फूड माना कि जमा हो गया तो यू नो इट विल बी अ ब्लॉकेज ओनली एंड दिस इज वेरी गुड फॉर आर ग्रीफ. तो नाउ द सेकेंड पॉइंट इज आर एल्बो. अच्छा आईब्रो, तो आईब्रो में ये वाले पॉइंट्स हमारे होते हैं सैडनेस. यूजुअली अगर सैड हो, आपने देखा होगा कि कभी हम लोग वो भी करते हैं जैसे कि हम लोग आईब्रो बनाते हैं थ्रेडिंग करने जाते हैं, तो वो लोग भी हमारे यहाँ पर करते हैं, देन वी फील सो मच यू नो हैप्पियर अबाउट इट. तो ये आईब्रो के करने के लिए आप ओनली यूज दिस फिंगर क्योंकि वो उतना प्रेशर नहीं ले पाता है ये पार्ट, और लेना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए. यहाँ पर अगर आप करेंगे तो ऐसे धीरे धीरे से टैप करेंगे आप, तो सैडनेस को हमारे ये रिलीव करने में, ट्रॉमा हर्ट ब्लैडर की तरफ जाता है. तो ये सारी चीजें हमें ना बाद में याद नहीं रहती, कम से कम मुझे तो याद नहीं रहती है, लेकिन ये याद रहता है यार मैं कहीं पर अगर टैप करूंगी ना तो आई फील बेटर. बिकॉज दिस साइंस ओनली इफ यू आर एवरी डे यू आर यूजिंग इट देन यू रिमेम्बर द साइंस, बट यू डू रिमेम्बर दैट मैं फेस को कहीं पर टैप कर लूंगी तो आई फील बेटर. तो दैट मच आई रिमेम्बर. यू नो साइड बाय साइड, साइड बाय साइड इज आईब्रो पॉइंट फॉलोइंग द रिज फ्रॉम योर आईब्रो डाउन टू द साइड ऑफ योर आई, ये वाला है गॉल ब्लैडर रिजेंटमेंट एंड एंगर. ये अब अंडर द आई जो है हम लोग, तो ये स्टमक एंड फीलिंग्स सेफ्टी अंडर द आई फिर वही होगा, इस तरह से हम लोग टैप करेंगे. तो ये प्रैक्टिस से भी होता है. मुझे जो सबसे ज्यादा मतलब मेरे लिए जब मैंने शुरू किया था ये वाला जो ये फिफ्थ पॉइंट है मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा था, ये मुझे हर टाइम याद रहता है. लिप्स और ये नोज के नीचे जो एरिया है वहां पर टैप करने से और मिडिल फिंगर से ऐसे 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 टैप करने से बहुत ये ना जैसे, और टैपिंग में ओ आई जस्ट फॉरगॉट कि टैपिंग में यहाँ से शेम और जो सेल्फ गिल्ट होता है और ये जाता है और एक्सेप्टेंस अपने ही मतलब चीज की आती है कि अगर कभी लगे कि मैंने बड़ी गलती कर दी है या सेल्फ गिल्ट में अगर आप चले जाते हैं या किसी भी तरह से, अरे मुझसे कुछ मतलब मैं मोटी हूँ छोटी हूँ कम पढ़ी हूँ ज्यादा पढ़ी हूँ जो भी इस तरह का आता है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, तो ये एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी बात होती है इसमें यहाँ पर के एरिया में. और शेम, तो टैपिंग में एक इम्पोर्टेंट बात मैंने ये मिस कर दी है कि टैपिंग में यू ऐसे तो हम सिर्फ टैप कर सकते हैं देन इट विल हैव एन इफेक्ट, बट इट इज मोर इफेक्टिव इफ यू ब्रिंग दैट काइंड ऑफ इमोशन
to your at least mind, and then tap. So if I'm feeling ashamed of my weight, then I have to bring or think about my like weight or how I feel ashamed to go or to my कि मेरे कपड़े टाइट हो जाते हैं, ये जो सारी फीलिंग्स है अपने वेट के बारे में, जिस भी तरह से शेम आ रही है, और वो वहां पर सोच के, एंड देन व्हेन वी टैप एंड टैप इट फॉर एटलीस्ट यू नो 30-41 seconds और 1 minute, देन इट इज मोर इफेक्टिव. ब्रिंग दैट फीलिंग टू द मतलब फोरग्राउंड एंड देन टैप इट. तो उससे हमारा ज्यादा वो फीलिंग्स वहां से क्या बोलेंगे, ट्रांसम्यूट होंगी या वहां से निकलेंगी, और हमारे ब्लॉकेजेस जो है वो क्लियर होते हैं. तो टैपिंग का यही है कि वहां पर एनर्जी स्टक हो गई है, उस ऑर्गन में स्टक हो गई है, एंड वी आर यूजिंग आवर फेस और आवर एल्बो और आवर कॉलर बोन जस्ट टू यू नो रिलीज दोस ब्लॉकेजेस, वो हम लोग यूज कर रहे हैं. सो द अंडर द माउथ इट क्रिएट्स कंफ्यूजन, जो भी है हमारा निकाल देती है. चिन पॉइंट ऐसे स्मॉल पार्ट टैपिंग, और खैर जो इनके प्रैक्टिशन होते हैं, कोई भी जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो हमको बोला जाता है कि नहीं आप 20 मिनट्स या 30 मिनट्स मॉर्निंग में मेडिटेशन कीजिए. तो जब मैं टैपिंग वाले सेशंस में जाती थी तो वो बोलते थे यू नो टेक आउट 5 मिनट्स ऑफ योर टाइम एंड जस्ट टैप ऑल दीज पॉइंट्स टू यू नो रिलीज एंड एनर्जाइज ऑल दोज थिंग्स. सो वंस यू आर रिलीजिंग एंड इफ यू कीप दिस प्रैक्टिस, इट ऑल्सो यू नो लाइक गिव्स दैट हीलिंग पावर टू द दोज ऑर्गन्स. तो ऐसे नहीं कि आपने टैप कर लिया और आप न्यूट्रल फील कर रहे हो, तो उसके बाद भी आपको यू हैव टू कीप टैपिंग सो दैट यू नो दैट पार्ट ऑफ दैट बॉडी फील्स एनर्जेटिक और हैज मोर एनर्जी. नाउ दिस कॉलर बोन थिंग वॉज अ वेरी गुड एरिया, मतलब यहाँ पर जैसे आप है ना, यहाँ पर अगर आप ये, अब यहाँ पर जो भी लिखा है बूस्ट क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस, बट हाउ आई डू इट व्हेन आई एम फीलिंग लो इन एनर्जी. जैसे कभी बोलते हैं ना 4 बजे ऑफिस में बैठे और अब मेरे को कुछ काम कंप्लीट करना है लेकिन मेरे में एनर्जी नहीं है, तो दैट इज द बेस्ट टाइम कि हम लोग जाते हैं और फिर कॉफी लेके आते हैं या चाय लेकर आते हैं या कुछ खाना. तो यू कैन डू ऑल दैट ऑल्सो, बट यू नो जस्ट यहाँ पर कॉलर बोन में टैप करो. कॉलर बोन में टैप करने से it just feel somehow a rush of energy to do things, and of course yahan par jo bhi likha hua hai boost confidence and clarity, that is also great. Under the arm, ye under the arm bahut acha hai, kam se kam bahut acha lagta hai, वैसे भी रिलैक्स हो जाते हैं. ये जहां पर हमारी ब्रा का जो लास्ट पार्ट है ना, वहां पर अगर हम टैप करें या इवन प्रेस करें, तो इससे क्या होता है, एक तो हमारी जो छाती है वो थोड़ी सी बाहर को आती है एंड लाइक वी आर नॉट स्टूप्ड और ये, लेकिन यहाँ पर से बहुत रिलीज भी होता है. वी फील लाइक एज इफ हमको रिलैक्स हो गया है. जैसे मुझे ऐसे, मतलब जब भी मैं ऐसे करती हूँ, हम लोग नहीं करते जब टायर्ड हो जाते, ऐसे करते हैं, सेम फीलिंग. अगर हम यहाँ पर इसको टैप करें तो वी आर यू नो रिलैक्सिंग आवरसेल्फ. और यहाँ से ये नेक किसी दूसरी शायद मोडालिटी में मैंने सुना होगा, अगर हम अंडर आर्म्स और यहाँ पर टैप करते हैं या मसाज करते हैं, तो इट जो ब्लोटिंग वाली फीलिंग होती है ना, कि जैसे कभी पीरियड्स के आगे पीछे हम लोग ऐसे लगते हैं कि अरे मैं फूल गई हूँ, और जनरली ऐसा कुछ होता नहीं है. तो बट अगर ये, अगर हम लोग यहाँ पर और यहाँ पर आर्मपिट्स और यहाँ पर मसाज करते हैं और टैप करते हैं, तो वी फील कि हाँ हमारे जो भी यू विल योरसेल्फ फील कि हमें उसके बाद यूरिन की जो सेंसेशन होती है वो तुरंत से होने लगेगी या थोड़ी देर बाद होने लगेगी. इट्स अ रिलीज ऑफ वॉट एवर दैट वाटर एलिमेंट इज इम्बैलेंस्ड और स्टक और यू नो हैविंग दैट ब्लोटिंग फीलिंग दैट वी हैव. और 9th पॉइंट है द सेंटर ऑफ द हेड करस्पॉन्डिंग टू द क्राउन, तो बट रादर ये वाला एरिया. तो ये तो खैर मतलब नेचुरली हमारा हेड एरिया है, तो हमारे थॉट्स के लिए अगर आपको बहुत बड़ा एसे लिखना हो और आपको आइडियाज भी चाहिए तो ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है.
हम लोग करते हैं राइटर्स का ऐसा पोज होता है कि ऐसे हाथ लगा के बैठे हैं। एक्चुअली इट इज ऑल दिस पॉइंट्स, अगर हम लोग इसको करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, तो वी गेट आइडियाज एंड फोकस कि वो नया काम कंप्लीट करने के लिए हमें काम आता है। ऑफ कोर्स ये जो सिस्टम है, हम लोग दूसरे से यूनिवर्सल थॉट्स से कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो दैट वाज माय थोड़ा सा शेयरिंग अबाउट ईएफटी। एंड एनी क्वेश्चंस प्रीति, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इसके बारे में, सिर्फ टैपिंग के बारे में या बताना चाहते हैं, तो वेलकम। मैम बताना चाहती थी। मैम हाँ, ये आप म्यूट हो गए हो, आप म्यूट हो गए हो। हेलो। हाँ, हाँ जी मैम, मैं ये बताना चाह रही थी कि जैसा कि आपने बताया टैपिंग का, ये इयर्स के पास वाला पॉइंट, तो ये मेरे साथ भी कई बार होता था कि मैं वो काफी बार ना प्रॉब्लम होती थी, हेडेक होने लग जाता है। तो यहाँ पे हल्का सा जैसे ऑयल या फिर कुछ भी लोशन टाइप का लेकर के प्रेस करती थी मैं, मतलब प्रेस करना एक टैपिंग नहीं, प्रेस करती थी, तो उससे मुझे काफी हद तक रिलीफ मिलता था। और अगर इसको 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यू रखती थी तो हेडेक रिमूव हो जाता था मेरे। और अगर हाँ, और अगर उसे बस ऐसे 2 3 सेकंड्स या 5 सेकंड्स मान लीजिए, तो क्योंकि रिलीफ की तरह वर्क करता था, बट वापस से वही चीजें आ जाती थी। तो ये मेरे साथ भी हुआ है, तो मैं इस चीज के लिए पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूँ कि हाँ ये चीजें वर्क करती है। डेफिनेटली हम लोग एज ह्यूमन बींग सब कुछ हम लोग रिलेट कर पाते हैं। और आप जरूर, मतलब जो आप बोल रही थी सुबह की, मतलब एनर्जी फील करना या थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, आप कोई दूसरे पॉइंट्स भी टैप करके ट्राई कीजिए। ये तो हो गया कि सिर दर्द भगाना, बट हमें कभी कभी क्लैरिटी चाहिए होती है, कभी एनर्जी चाहिए होती है, कभी कभी हम शेम या किसी गिल्ट से निकलना चाहते हैं, तो आप दूसरा भी ट्राई कीजिए। मतलब यही मेरा रिक्वेस्ट या सजेशन रहेगा आपके लिए। मैं इसका वीडियो बना के भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप अगर भूल भी गए होंगे सेशन से तो आपको याद आ जाएगा। ओके या थैंक यू प्रीति। एनीथिंग श्वेता यू वांट टू आस्क और ऐड? मैम। नो नो, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन। आई हर्ड अबाउट दिस टेक्निक एंड बिकॉज सर्टेन पॉइंट्स इन नोइंगली अनोइंगली हम प्रेस करते हैं ना, हमें रिलैक्सेशन लगता है, उसके पीछे कुछ रीजनिंग होती है। बट जब मैं प्रोटोकॉल किया था तभी हम लोग को पावर वार्म अप सिखाते थे, और ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है इनका 15-20 मिनट्स का। तो बेसिकली उसमें पूरा बॉडी का मसाज एंड देन फिर टैपिंग बता करने का बोलते हैं। तो हम लोग को जैसे ये वाला जो एरिया है यहाँ पे टैपिंग है ना, एंड अंडर आर्म्स के इधर टैपिंग, तो ये पूरा क्या होता है ना, आपकी बॉडी का जितना भी स्वेलिंग है, इंफ्लेमेशन है, वो क्लियर करती हैं। तो आई यूज टू डू दैट, तो वो काफी मतलब वो ऐसे फीस से एंड मतलब जब आप यहाँ पे बोलते हैं ना, यहाँ पे ये वाले हिस्से में जब टैपिंग करते हैं तो बहुत पेन होता है। वो इसीलिए ही होता है बिकॉज दीज आर द इन्फ्लेमेशन एंड ब्लॉकेजेस, जो मसल्स के ब्लॉकेजेस हैं वो उसको क्लीन करती है। तो या आई नो अबाउट इट, मतलब नॉट रिलेस एग्जैक्टली व्हाट यू हैव आई मीन टू से स्पोक अबाउट, बट या इट इज रिलेटेड टू टेपिंग। थैंक यू श्वेता, क्योंकि डिफरेंट मोडालिटीज में भी हम जब सुनते हैं आपस में तो ऐसे लगता है यस, यू नो ऑल अदर पीपल आर प्रैक्टिसिंग एंड ऑफ कोर्स इट गिव्स वाइडर पॉसिबिलिटी कि मतलब जैसे हाथ को ऐसे करना, या सुबह जैसे हमको बोला जाता है कि आप ये सुबह वाला जो कम पॉइंट है ना, ये पॉइंट बोलते हैं कि जब आप बहुत एंजाइटी को बहुत रिलीव करता है इसको, मतलब टैपिंग नहीं है बट इसको जस्ट प्रेस करके एंड पावर दे के प्रेस करते हो, तो ये बहुत एंजाइटी को रिलीज करता है। दिस इज व्हाट इवन आई यूज टू डू दिस ऑल्सो। राइट। या थैंक यू श्वेता, थैंक यू सो मच।